मामा अभी जिंदा है, चिंता काहे की। विजयपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आए पूर्व सीएम शिवराज ने कांग्रेस को जमकर कोसा। खबर विजयपुर से है, जहां मंडी प्रांगण में बीजेपी की मुरैना लोकसभा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में सभा संबोधित करने आए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को लखपति बहना बनाने की बात कही। कहा कि मामा अब दिल्ली जा रही है, वहीं से मेरी बहनों और भांजे भांजियों के लिए योजना बनाया करूंगा। कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि विधानसभा में कांग्रेसियों ने सपने देखे कि अब तो सरकार बन ही गई, कुछ नेताओं ने तो मंत्री शपथ के लिए सूट भी सिलवा लिए, मगर वो ये भूल गए कि मामा अभी जिंदा है। उन्होंने मंच से कहा कि विधानसभा में यहाँ मेरी जनता द्वारा थोड़ी गड़बड़ी हो गई, मगर लोकसभा में मोदी जी को ही वोट देना है। सुनिए और क्या बोले पूर्व सीएम। विजयपुर से संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फ्री में इलाज मिलेगा, कनेक्शन हर एक को दिया जाएगा, कितनी चीज है कांग्रेस कभी कर सकती है, और इसलिए सब चीजों को लाभ लेने के लिए आप ध्यान रखना, इधर उधर वोट नहीं देना है, केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पार्टी को जिताया तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बोलो, देखना चाहिए कि नहीं? अपन तो बात कर रहे हैं, भाषण देने नहीं आएगा, बताओ देखना चाहिए कि नहीं? गर्मी के दिन है मेरी बहनों, अगर मटका खरीदने भी जाती हो तो खरीदने के पहले ठोक कर देखती हो कि टन टन बोल रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कहे टूटा फूटा हो, पानी टपक जाए उसको, देखते कि कैसी घड़ा स्वीकृत किया है अपन। ये जिनने मौजरी बांध बनाए, कभी कांग्रेस ने बनाए एक बूंद पानी दिया है क्या इन सबको? शिव मंगल तोमर हमारे उम्मीदवार है, वो दिन और रात सेवा आपकी करेंगे, और मुझे तो विजयपुर वालों तुमसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार करता हूँ, अरे मैं छोड़ूंगा थोड़ी, जब बुलाओगे मामा चले आएंगे, मिलके काम करेंगे, अपने विजयपुर को भी बढ़ाएंगे और अपने प्रदेश को भी बढ़ाएंगे। और बहनों फिर याद रखना, मैं जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। माँ बहन बेटी का मान सम्मान और इज्जत बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भांजे भांजियों की चिंता तो मामा करेगी, और इसलिए आज मैं, समय ज्यादा नहीं है, आप सबसे निवेदन करता हूँ, विजयपुर की इस पवित्र धरती पर संकल्प लीजिए। विधानसभा में थोड़ी चूक हो गई, अब वैसी चूक तो नहीं होगी। कांग्रेस के लिए तो सोचते थे बन गई सरकार, कहीं ने तो सूटे सिरा लिए थे मंत्री की शपथ के लिए, तैयार थे, हमारे भी नेता थोड़े हिल रहे थे, पता नहीं क्या हो, लेकिन मैं कहता था मामा अभी जिंदा है, चिंता काय को करते हो, बीजेपी की बनी, अब फिर से सरकार बनाइए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, कमल के फूल के बटन दबाइए और शिव मंगल तोमर को अपना सांसद बनाइए। बोलिए सब तैयार है? तो आज यहाँ संकल्प लेंगे भाजपा को जिताने का, अपनी जगह खड़े हो जाए सब, दोनों लाडली बहना नहीं है, अभी तक तो लाडली बहना योजना बनी है, अब लखपति बहना योजना बना के क्रियान्वित करेंगे। कोई बहन क्यों गरीब रहे, क्यों आंसू बहाए, क्यों दुख के समुद्र में डूबी रहे, उसको भी तो जीने का और मुस्कुराने का अधिकार है। और इसलिए बहनों, तुम्हारा भाई कहीं रहे तुम्हारी चिंता हमेशा करता रहेगा। भाई बहन के रिश्ते पद से नहीं, आत्मा से और दिल से होते हैं।